थोड़ा सा स्माइल करते यार अर्जुन। हर मंजिल का एक हकदार होता है, लेकिन उसके लिए एक कड़ी मेहनत चाहिए होती है। वो कड़ी मेहनत को सफलता में कैसे बदलते हैं, ये हमें अर्जुन भाटी बताएंगे। अर्जुन, आपका स्वागत है ईटीवी पर। मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगा, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस था, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे अच्छे प्लेयर्स थे, तो उनके साथ खेलना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अच्छा, ये बताइए कि मतलब हम भारतीयों में ज़्यादा क्रिकेट को लेकर क्रेज़ रहता है, आपका गोल्फ़ को लेकर कैसे रुचि बढ़ी? पहली बार मैंने गोल्फ़ अपने स्कूल में खेला था, तो मुझे अच्छा लगा जब मैंने पहली बार खेला। तो हम गोल्फ़ कोर्स के अंदर ही रहते थे, तो मैंने जैसे लोगों को देखा तो मुझे भी लगा कि मेरे को गोल्फ़ खेलना चाहिए। फिर मैंने धीरे धीरे शुरुआत की, फिर हमने शुरू कर दिया खेलना। उस समय आपकी तकरीबन उम्र कितनी रही होगी? 8 साल। अच्छा, ये बताइए कि 8 साल की उम्र में आपने गोल्फ खेलना शुरू किया, इसमें रुचि कैसे बढ़ती गई? जब मैंने पहली बार टूर्नामेंट खेला, तो जब मैं जीतने लगा तो फिर मुझे भी लगा कि मैं इस में कुछ कर सकता हूँ और इसमें मेरा करियर है, तो फिर मेरी रुचि बढ़ गई थी। तो आपने पढ़ाई और गोल्फ दोनों कैसे मैनेज किया? हमारा स्कूल बहुत सपोर्टिव है, ग्रेटर वैली स्कूल। उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ से 2 टीचर ले लीजिए, कि जब भी आपको समय मिले आप इनको कॉल कर दीजिए और ये आपको पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। ऐसे हमने मैनेज किया था। तो कितने घंटे की लगभग प्रैक्टिस रहती थी आप लोगों की? 4 से 6 घंटे हर रोज़। और कितने कब से आप लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? 6 महीने पहले से टूर्नामेंट के। तो आपको क्या लगता है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, कि आप अब यूथ आइकन हो गए हैं? आप 2018 का आपने वर्ल्ड गोल्फ केट जूनियर चैम्पियनशिप जीती है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि मेहनत बहुत ही ज़रूरी होती है, और जो भी काम करें वो बहुत ही फोकस और अटेंशन से करें, और जो भी काम करें उसको फोकस और कंसंट्रेशन से ही करें। जो भी मन करता है उसको करें, और मतलब किसी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना, विदाउट टेंशन करना है और टेंशन फ्री करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करते थे, तो आपके कोच है वो किस तरीके के गाइडलाइंस देते थे, किस तरीके का आप माहौल रहता था जब आप प्रैक्टिस करते थे, वो थोड़ा सा बताइए। मतलब बहुत ही सीरियस रहता था, कि हम पहले से ही सोचते थे कि हमें जीतना ही है, कुछ भी हो जाए। तो हम उसी को दिमाग में लेके चलते थे, कि फिर हम टेक्निक पे काम कर रहे थे, डेवलपमेंट में काम कर रहे थे टूर्नामेंट से पहले। आपकी उम्र 14 साल है, इतनी क्लैरिटी कैसे रही कि यही करना है? क्या किसका सपोर्ट रहा, सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया, थोड़ा इस बारे में बताइए। मेरे पापा और मम्मी ने बहुत ही सपोर्ट किया। जब मैंने पहली बार टूर्नामेंट जीता तो उन्हें भी लगा कि अब ये कुछ कर सकते हैं। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया कि बेटा आप इसमें कुछ कर सकते हो, आप लगे रहो, हम आपके पीछे हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपने ये भी किया, और इस पूरे सफ़र का जो भी आपका ये करियर था, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? अपने पापा और मम्मी को। तो ये बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा सफ़र रहा, थोड़ा सा आप ना बताइए वहाँ जब आप गए, क्योंकि 29 कंट्रीज़ के प्लेयर्स आए थे और आपने भारत का झंडा फहराया वहाँ तिरंगा, तो इस थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइए इसके बारे में। और क्या किस तरीके वहाँ कोई समस्या भी हुई, जैसे लैंग्वेज अक्सर खिलाड़ियों के साथ दिक्कत होती है लैंग्वेज को लेकर, तो क्या एक्सपीरियंस है थोड़ा सा बताइए। कुछ प्लेयर्स थे जिनको मतलब इंग्लिश नहीं आती थी, तो उनको स्कोर बताने में और बात करने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, और मैं एक वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी, कि खाने की बहुत प्रॉब्लम थी। हमें 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा था इंडियन रेस्टोरेंट को ढूंढने के लिए, वो भी एक बड़ी दिक्कत थी। और वहाँ पे वेदर बहुत ही डिफरेंट था यहाँ से, यहाँ पे बहुत ही ठंडी थी और वहाँ पे बहुत ही गर्मी थी। पहले दिन जब हम खेल रहे थे, हमारा 12 होल के बाद मैच ही रुक गया, क्योंकि वहाँ पर बारिश हो गई थी। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज हमने फेस की थी। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल आपकी फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं, क्योंकि अब तो आप जीत गए हैं ये वर्ल्ड चैम्पियन, अब आगे के क्या और प्लानिंग्स हैं और किस चीज़ पे फोकस है? गोल्फ पे ही फोकस है, और मैं बड़े होकर वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर बनना चाहता हूँ, और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ ओलंपिक्स में। आइकन कौन है आपके, आपने जब खेलना, जैसे लोग क्रिकेट खेलते हैं तो सचिन को या विराट को देख के खेलते हैं, आपके आइकन कौन है गोल्फ में? टाइगर वुड्स। ओके,
क्या चीज़ अच्छी लगती है आपको टाइगर वुड्स में? जिस तरीके से वो खेलते हैं, और बीच में उनकी बहुत ही सर्जरीज हुई थी, और जिस तरह से उनने कमबैक किया था, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा उनके बारे में। टाइगर वुड्स की बात करें तो आपको उनका फेवरेट शॉट्स कौन सा अच्छा लगता है? स्टिंगर शॉट जो बहुत ही लो शॉट होता है, और आपका वैसे फेवरेट शॉट कौन सा जब आप मैदान पर रहते हैं? तो स्टिंगर। सिंगल हाँ शॉट। जी, तो ये थे हमारे साथ 14 साल के अर्जुन भाटी, जो ये यूथ आइकन बन चुके हैं अब इंडिया के लिए। देखते रहिए ईटीवी भारत, खबरों से अपडेट रहने के लिए। मैं हिमांशु शुक्ला, नोएडा से।